हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवांशी थापा। आशा करती हूँ आप लोग होंगे ठीक, क्योंकि मैं हूँ ठीक। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपका यह नया साल मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। तो दोस्तों आज हम गए थे गौरीहाट, वहाँ पंचायती राज से जुड़ी हुई बातें हमको जानने को मिली। तीन दिवसीय प्रशिक्षण हमारा वहाँ किया जा रहा है, तो आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं और हमें वहाँ जाकर जो जो चीज़ें सीखने को मिली हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी देना चाहती हूँ। तो आप लोग अगर देखना चाहिए तो वीडियो और मेरे चैनल पर आए और जानकारी प्राप्त करें। तो दिखाते हैं आपको प्रशिक्षण, तब तक के लिए बने रहें। आपकी जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण है तो हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं पंचायत विकास अधिकारी श्री धामी जी और हमारे बीच में राम बच्चराम विश्वनी जी एवं भावना देवी राम परिहार, समस्त उपस्थित यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि कार्मिक और आशा आंगनबाड़ी एवं इस क्षेत्र के जितने भी हम हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं समस्त यहाँ पे महिला शक्ति एवं समस्त जन समुदाय, इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि ये जो प्रशिक्षण है 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, इसमें हमारे 9 बिंदु 9 थीम को लेकर के हम यहाँ पे आपके साथ चर्चा करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इन 3 दिनों में हमको सुनेंगे और धरातल पर उस चीज़ को क्रियान्वयन करके इस देश को, इस राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाएंगे और एक भारत को विश्व गुरु की तरफ पढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्री प्रधान बची सिंह बची राम जी बिस्कोली को। आप मेरे साइड सब देखो, एक मिनट पर तो ऐसा नहीं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-2024 पंचायती प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपको मिलाते हैं हम लोग यहाँ पर बैठे सभी अपने साथियों से। ये रहे सभी साथी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग किस उपलक्ष्य में यहाँ पर पधारे हैं? ये हमारे ब्लॉक की प्रमुख मैडम है, ये आपसे कुछ कहेंगी। तो मैम बताइए, आप प्रशिक्षण से जुड़ी कुछ बातें, नॉलेज दीजिए हमको। यहाँ आप लोगों की 3 दिवसीय ट्रेनिंग है जो पंचायती राज द्वारा कराई जा रही है और इसमें हम पंचायती योजनाओं से रिलेटेड और 9 थीमों के बारे में आप लोगों को बताते हैं, जिसमें गरीबी उन्मूलन और स्वच्छ गांव, बुनियादी ढांचा गांव का, गांव से रिलेटेड जो भी है पंचायती राज के अंदर, वो आपको इन 3 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद मैम। और मैं भी आपकी तरह सलमान की हूँ। हेलो, हाय। हेलो, मैं क्या करें, ये गांव बिस्कुली से आई हूँ। अब हमारे साथ हमारे आपके सहपाठी वार्ड मेंबर और ये लोग भी आए हैं। हम अब जो भी यहाँ से सीख के जाएंगे अपने गांव में, उनको जानकारियाँ देंगे। ओके, तो आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? हेलो, तो दोस्तों अभी देखा आप लोगों ने, मैम ने बताया कि यहाँ 9 थीमों पर यहाँ पर वार्तालाप की जाएगी और हमें समझाया जाएगा। तो आगे देखने के लिए बने रहें। स्वच्छ और हरा भरा गांव, उसके बाद आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे युक्त गांव की हम बात करेंगे, सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव कैसा हो उस पर हमारा फोकस रहेगा। सुशासन युक्त गांव और महिला हितैषी गांव, तो इन हम 9 बिंदुओं पर 3 दिन में हम आपके साथ बात करेंगे। तो इसमें आज 3 विषय हम आज 3 विषय पर बात करेंगे, फिर कल जो है फिर 3 विषय पर बात करेंगे और परसों फिर 3 विषय पर हम आपसे बात करेंगे। तो इसमें एक तो सबसे पहले आपने एक एक पन्ना सभी को मिलेगा, एक सादा पेपर, उस सादा पेपर में आपकी जितनी भी समस्याएं हैं गांव स्तर पर, तो उन सभी समस्याओं को उस पन्ने में लिख करके देना है। भले किसी भी चीज की वो समस्या हो, आपको लगता है कि हमारे गांव में ये दिक्कत है, इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप लिख करके आप देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सरकार तक पहुंचा सके। तो हमारा भी काम यही है कि हम आपके और सरकार के बीच की कड़ी है, यानी आप जो भी चीज लिख करके दोगे हम सरकार तक पहुंचने का उसको भरकर प्रयास करेंगे और उस पर धरातल पर कैसे उसका समाधान हो उसके लिए कार्रवाई जो है करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा। फीडबैक फॉर्म में आपको जो है प्रशिक्षण कैसा लगा, किस तरह का था, जो जो आपको लगा वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज, आपके जो है तीनों दिन आना है और तीनों दिन का आपका यहाँ पे उपस्थित अनिवार्य है। इसमें पैनल में आप लोगों के सामने बातचीत करने के लिए, ताकि आप थोड़ी मेरी सुने और थोड़ा आप मुझे बताएं अपने विचार। तो आज जो जिस थीम पे मैं बात कर रही हूँ वो आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव। अब आत्मनिर्भर से आप क्या शब्द लगाते हो और बुनियाद से आप लोग क्या अर्थ लगाते हो? बुनियाद क्या होती है? बुनियाद नींव होती है ना, किसी भी चीज, चाहे एक पौधा हो, एक फल हो, या पेड़ हो, या मकान हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। क्यों कहते हैं हम बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, कोई बता सकता है? जड़ मजबूत होगी या घर की बुनियाद बढ़िया होगी तो मकान हमारा लंबा समय तक टिकेगा। उसी तरह से गांव में हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? आज तो आप सब आत्मनिर्भर ही तो हो, है ना। आत्मनिर्भर मतलब अपने आप लोग आत्मनिर्भर हो, इसलिए गांव आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें आत्मनिर्भर गांव को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की और भी जरूरत पड़ती है। जैसे उसमें क्या आती है, पक्की सड़कें। पक्की सड़क होगी नहीं तो आज हम यहाँ पहुंच पाते हैं? पहुंच ही नहीं पाते, बहुत समय लग जाता। जैसे पहले टैक्सी हो गई, गाड़ियां हो गई, गाड़ियां हैं तभी आप समय पे पहुंच पा रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें वो सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारी चीजें हैं, जरूरत की चीजें। अगर वही चीजें जरूरत की पूरी ना हो तो उससे क्या होता है, चीजें डगमगाती है, है ना। तो आत्मनिर्भर आप कैसे बनोगे, जब आपके गांव में पक्की सड़कें बनी, लाइटें, ऊर्जा पहुंची, ये चीजें भी बुनियादी गांव को मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट है, है ना। तो मेन चीज मेरा मकसद क्या है, एक हमारी जो स्वच्छता है सबसे हमारी, या हमारे गांव की, देखो आजकल पंचायत घरों में आपने देखा भी होगा कि बहुत जगह पे हरे हरे वो बना रखे ना कूड़ादान डालने चाहिए। क्यों डालता तो खैर कोई नहीं है, कूड़ा तो कहीं उसमें दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक योजना है जो लोगों को समझाने के लिए कि भाई अपना गीला कूड़ा अलग रखो, वो कूड़ा। चलो गाँव में तो लोग क्या करते हैं, गायों को खिलाते हैं, गड्ढा बना के उसमें डाल देते हैं, लेकिन जो बाजार है उसमें तो लोग फेंकते ही है ना। हमें समझना है चीजों को कि हाँ भाई, हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखने के अपने सामने, अपने घर के सामने, अपने घर से ही शुरुआत होती है। घर के सामने स्वच्छता करनी है, साफ सफाई रखनी है, जल निकासी, कहीं पानी जमा ना हो, गंदे पानी से भी बीमारियां होती हैं, वो सिस्टम हमारा सही हो, शौचालय हमारे गाँव में पूरा हो, है ना। आजकल तो खैर घर घर में है शौचालय, पहले जमाने में तो नहीं था, अब चीजें उसी के हिसाब से बताई जाती है कि हाँ भैया शौचालय होना चाहिए। अभी भी बहुत लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। मेरी एक भी एक दोस्त है, उसका घर में बाथरूम है, लेकिन उसके पहले के जमाने में लोगों को यहाँ से पिथौरागढ़ जाना है अगर कुछ भी है
लेकिन ये आपके आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी है, आपके पास सारी सुविधा, बच्चों के लिए सुविधा हो गई थी, बच्चे वहाँ पढ़ाओ, वन डे एक टेन का मील आप लोग देते होंगे ना बच्चे को, और आप लोगों को मिलता हुआ खजूर अंडे, क्यों? ताकि बच्चे के स्वास्थ्य में ध्यान दे सके, है ना। और साथ में आशा भी घर घर दवाई दे रखी है, तुम्हें कोई तकलीफ है जाओ भाई आशा है तुम्हारे गांव में, उससे दवाई ले लो, प्रेग्नेंट कोई औरत है भैया उससे दवाई कर लो, नहीं तो पहले हर औरत को बाजार भागना है ना। आजकल ये सुविधा है तो सरकार ने कम से कम आप लोगों को दे दी, ये क्या करती है, ये छोटी छोटी चीजें भी हमको आत्मनिर्भर भी बना रही है, क्योंकि भैया गाँव की औरत आशा बन गई। सोचो एक बात, पहले कहाँ था ये सिस्टम, अब तुम आशा बन गए तो तुम्हें गर्व है नहीं है लाइफ में कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो पहले ये सिस्टम ऐसा था ही था, हाँ भैया गाय का गोबर उठाया बस ये कि कोई औरत जैसे हमारे जैसी बन के घूम के आई, अरे बाप ये तो कुछ है, हम तो कुछ नहीं है। देखिए आज ऐसा तो नहीं है ना, गांव की हर औरत अपने उसमें सक्षम है, पढ़ी लिखी है, काम कर रही है, कोई किसी तरह से कोई काम करी, कोई किसी तरह से। अब गाँव के आप लोगों ने समूह देखे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे समूह है, मतलब बहुत जगह तो ऐसे है कि चलो नहीं भी चला है, लेकिन बहुत जगह मैंने जो समूह देखे उनमें औरतें इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि मतलब अचार बना रही हैं। एक लड़की, एक समूह की हमारी एक औरत है बाहर से आई हुई, वो तेज है, उसने अपने पति के लिए गाड़ी खरीद दी, एक गाड़ी खरीद दी दूसरे तीसरी। हमारे इस संस्था के पद प्रदर्शक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार आप सभी लोग मैडम के लिए ताली बजा दीजिए। योजना के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ तीन दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत गोरीहाट में ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, इस प्रशिक्षण में उपस्थित हमारे संस्था के सबसे पहले मैं बड़े भाई मर्तुलिया जी, इनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ अपने ग्राम पंचायत में। और दूसरी बात, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत से, हमारे विकास खंड से आए हुए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, मनरेगा का स्टाफ उपस्थित, हमारी यहाँ पर आंगनबाड़ी बालवाड़ी कार्यकर्ती सभी उपस्थित, महिलाएं, महिला शक्ति, और उपस्थित समस्त यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि यहाँ पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आए हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं इस प्रशिक्षण का आज यहाँ पर उद्घाटन भी करती हूँ। आप लोगों के प्रशिक्षण में मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी तीन दिवसीय हमारे स्वराज प्रशिक्षण में सिखाया जाता है ये चीज़ का आप अमल करेंगे, पंचवर्षीय योजना जारी है, आगे को भी दोबारा पंचवर्षीय योजना आएगी, तब तक के लिए आप लोग प्रशिक्षण अगर प्राप्त करेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी विभाग के बारे में, हर चीज़ के बारे में। गांव पंचायत के अंदर अंतर्गत जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकार द्वारा जो भी नई नई योजनाएं आती हैं उनके बारे में टाइम टाइम पर ऐसे प्रशिक्षण होते रहते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में यहाँ पर हमारी संस्था के माध्यम से हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग तन मन धन से इस प्रशिक्षण में अपना प्रतिभाग करके सभी चीज़ सीखने का प्रयत्न करेंगे और काफ़ी अग्रसर बनेंगे आगे के लिए। आने वाले समय में भी कई लोग, मेरे को लगता है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत चुनाव का भी ये नज़दीक समय आ रहा है, आचार संहिता लग जाएगी कुछ ही दिनों बाद, तो कई लोग उम्मीदवार भी होंगे शायद। हमारी आशा कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आप लोगों का तो हमेशा यही काम रहता है कि ग्राम पंचायतों में आप कहीं पर अपवर्धन है और 18 साल से ऊपर के बच्चों का नामांकन कराना है, फॉर्म सी भरना है, ये चीज़ें आप लोगों को बताई गई होंगी, तो गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके शायद आप लोग ये चीज़ काम कर भी रहेंगे लोगों के साथ, तो इस चीज़ में भी ध्यान देना है। आगे को जो भी आप लोगों को हर चैप्टर के बारे में बताया जाएगा आप लोग तन मन धन से सुनेंगे और अमल करेंगे उस चीज़ का। अभी मैं ज़्यादा वो तो नहीं कहूँगी आप लोगों को, क्योंकि प्रशिक्षण लेने आप लोग आए हैं, तो प्रशिक्षण देने के लिए हमारे संस्था के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग हमारी जनता को जागरूक करेंगे यहाँ पर। मैं तो अभी
यहाँ के साथ साथ ही अन्य जगह भी मैंने देखना है, तो मैं सिर्फ उद्घाटन के तौर पे यहाँ पे आई थी, और अन्य जगह कहीं आवास है, कहीं अन्य योजनाएं हैं, उसका भी मैंने एक बार देखना है। तो आप लोगों को यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और नए साल की बधाई देना तो सब लोग को भूलते हैं हमेशा। ये चिंता की गई कि भाई पूरे दुनिया को अगर आगे बढ़ना है तो उनको कुछ चीज़ें तय कर दी जाएंगी कि आपको इस पर आगे बढ़ना है ताकि कोई भी आपका पिछड़ ना पाए। अब अपने देश में 2030 तक हमने जो है ये सारे थीमों को छूना है। कब तक छूना है? 2030 तक। 24 शुरू हो गया है, 6 साल हमारे बचे हैं, और इन 6 सालों के भीतर पूरे देश को एक साथ, इसीलिए आपकी 3 दिन का प्रशिक्षण रखा गया है। जानकी कहती है मुझे कि एक ही दिन में कर दूँ, है ना, मैंने कहा इस बार एक दिन में संभव नहीं होगा क्योंकि तो बहुत ज़्यादा ऊपर से अभी देखिए कई लोग पहुँच चुके हैं मार्केट के अंदर। ट्रेनिंग 2 दिवसीय ख़त्म हो चुकी है, तो अभी हम मार्केट में आए हैं। यहाँ मार्केट में ये ट्रेनिंग में आई हुई महिलाएं अब घर के लिए साग सब्जी लेके जाएगी, तभी तो घर में जाकर इनको खाना मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है दुकान, यहाँ पर हर चीज़ें मिलती है। ये बैंगन, खीरे, अमरूद, किन्नू, टमाटर, प्याज, गाजर, सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी ये लोग घर को सब्जी ले जाएंगे, तभी बनाएंगे फिर खाएंगे दोस्तों। और आपको इनके घर की सब्जी बनी हुई तो दिखा नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन बने रहिए तब तक। तो दोस्तों फाइनली अभी हम घर पहुंचकर लंच वगैरह हमारा हो चुका है, और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 3 दिवसीय प्रशिक्षण में गए थे पंचायती राज के, उसमें गए थे हम लोग। वहाँ पर प्रशिक्षण में मुख्य बिंदुओं पर बातें की गई, जैसे स्वच्छता और जल, स्वच्छ जल और स्वास्थ्य संबंधित जुड़ी बातें, सभी चीज़ें बताई गई हमें वहाँ पर और सिखाई गई। और हम लोग घर पर आकर भी उन सभी चीज़ों पर अमल करेंगे और उसे अपने जीवन में शामिल करेंगे, और ना हम जल का दुरुपयोग करेंगे, हो सके तो हम लोग जल सुरक्षित करने और जल को अच्छे स्वच्छ जल में परिवर्तित करने का कार्य करेंगे। और मेरे वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, तो मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं पंचायती राज के द्वारा जो भी प्रशिक्षण हमें दिया गया वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और देखिए आप वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें कौन से मुख्य बिंदुओं पर हमारी बातें की गई, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियोज को। और अभी कल 3 दिवसीय प्रशिक्षण और है हमारा, क्योंकि 3 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था सरकार की तरफ से, तो कल जो भी सिखाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप कल देखते हैं नए वीडियो में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ, और तब तक के लिए बने रहें, बाय बाय। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छोटा बेबी भी है जो यहाँ पर सो रहा है, उसको नींद आ रही है अभी, तो उसकी माँ लोरी सुना रही है उसको, और मैं आपको उसकी लोरी भी दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।